हेलो फ्रेंड, मैं अरवि मौर्य, कोरल ड्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक शेप, एरो शेप, प्रो चार्ट शेप, बैनर शेप, कॉल आउट शेप। इन सभी टूल के अंदर पहले से शेप दिए हुए हैं, उनमें से जो आपको आवश्यकता लगे उस शेप का यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो हम पहले बेसिक शेप टूल सेलेक्ट कर ले रहे हैं और फिर प्रॉपर्टी बार में परफेक्ट शेप के नाम से ऑप्शन है, उसमें एक छोटा सा आइकान है। उस आइकान पे जैसे हम क्लिक करेंगे, उसमें अलग अलग प्रकार से शेप दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं और शेप टूल से इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से, और यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं और फिर यहाँ से आउटलाइन को मोटा कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से सेव हैं, जो चाहिए आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगला टूल है एरो टूल, और फिर परफेक्ट शेप पे जाकर क्लिक करेंगे। इसमें से अलग अलग प्रकार से एरो दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एरो सेलेक्ट कर सकते हैं। और शेप टूल से एडिट कर सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से एरो शेप का यूज कर सकते हैं। अगला टूल है फ्लो चार्ट शेप। फ्लो चार्ट से जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रॉपर्टी बार में परफेक्ट शेप पर क्लिक करेंगे। इसमें बहुत खूब सारे तरीके से शेप दिए हुए हैं, इसका आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। कोई भी जो आपको आवश्यकता लगे उसका यूज कर लें। अगला टूल है बैनर शेप। प्रॉपर्टी बार में परफेक्ट शेप पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से जो चाहिए सेलेक्ट कर लेंगे। और इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टूल है कॉल आउट। पर प्रॉपर्टी बार में परफेक्ट शेप पर क्लिक करेंगे और यहां से कॉल आउट सेलेक्ट कर लें, जो शेप चाहिए, और फिर शेप टूल से एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से। तो दोस्तों, बेसिक शेप टूल का यूज़ करके आप अपने काम को और भी आसान बना सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।